सत श्री अकाल अजीत वैब टीवी देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरां दे इस बुलेटिन विच सब तो पहला नज़र पाउने आ अज दी खास खास खबरां ते। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा SYL मुद्दे ते मीडिया सामने आउण तो डर रहे ने केजरीवाल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा उम्मीदवारां दी पहली सूची 3 दिसंबर नूं करांगे जारी। मदन मोहन मित्तल ने कहा कांग्रेस नूं खुश करन ते सीट हासिल करन लई नवजोत कौर सिद्धू कर रही है बयानबाजी। 26/11 मुंबई हमले की अज 8वीं बरसी, मृतकों नूं दित्ती गई श्रद्धांजलि। लुधियाना विच बच्चे की मौत ते हस्पताल की बुरी तरह भनतोड़, 4 लोग जख्मी। ते हुण खबरां विस्थार नाल। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने लुधियाना विखे अज 300 एकड़ विच बनन वाली साइकिल वैली का नींह पत्थर रख्या। इस तो इलावा प्रदर्शनी ते कॉन्फ्रेंस सेंटर लई 20 एकड़ जमीन अलाट कर दी गई है। इस समय उन्हां मत्तेवाड़ा नवा शहर पुल का उद्घाटन किया जिसके बनन नाल लुधियाना तो नवा शहर की दूरी 25 मिनट रह गई है। इस समय उन्हां केजरीवाल नूं निशाने ते लैंदिआं कहा कि केजरीवाल पंजाब के दौरे ते ने पर SYL के मुद्दे ते सवाल पुछे जाण दे डर तो वह मीडिया के सामने नहीं आ रहे। उन्हां कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली विच दलितां लई कुछ नहीं कीता तां पंजाब विच दलितां लई की करनगे। 300 एकड़ विच साइकिल वैली है, मैं लगता 200 एकड़ दे प्रोजेक्ट साडे कोल आ भी गए है। कोरियन कंपनीज, जैपनीज कंपनीज, फ्रॉम अपना ताइवान तो कंपनीज ने भी एप्लीकेशन, जो जमीन पदरी हो जूगी उन्हें अलॉटमेंट लैटर असीं दे के विद इन तुसीं 2-2.5 साल देखोगे दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइकिल हब, मैनुफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। मैं पहली गल है जिहड़ा उन्हें किसान का मैनीफेस्टो जारी किया है, आम आदमी पार्टी दस दे उन्होंने जो एक चीज़ दिल्ली लागू की हो, जिहड़ा दलित मैनीफेस्टो जारी किया है एक चीज़ उत्थे दिल्ली जारी की हो, अपने सूबे जिथे उहदे कोल पावर है अज जारी करन नूं कोई फैसले नूं उत्थे तक नहीं किया। अज तुसीं गल दसो पंजाब विच पिछले 6 दिन का इत्थे है, एक बार उन्हें जिक्र किया पानिया बारे, एक बार उन्हें जिक्र किया कि मैं SYL तब नहीं इतने पंजाब के लोग नहीं बन देंगे कि प्रेस तो क्यों डर है। एक बार प्रेस नूं मिले नहीं मिले ना मिलता है, जिहड़ा मुख्यमंत्री दूजे सूबे का पार्टी जिहड़ी अपने प्रेस नूं नहीं मिलती जवाब नहीं दे सकती। तो मैं तो उन्होंने बेनती करता जे हिम्मत है पंजाब च आने तो पहले सारे मैनीफेस्टो दसन तो पहले आई सवाल दसे कि पंजाब SYL बना दूगा कि नहीं दूगा। एक फैसला अकाली दल ने BJP स्पष्ट किया कि बूंद पानी नहीं, एक इट नहीं लगन देवे कि केजरीवाल बयान दूगा या कोई स्पष्टीकरण दूगा कि पंजाब की SYL जे कोई सरकार बनती है बन दूगी कि नहीं दूगी। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों कैप्टन किसान यात्रा दा विशाल रोड शो शंभू तो पटियाला वाया कनौर होके गुजरिया। इस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्रकारां वल्लों पुछे जाण ते दस्या कि पंजाब विधानसभा चोणां लई कांग्रेस पार्टी वल्लों उम्मीदवारां दी पहली सूची 3 दिसंबर नूं जारी की जाएगी। पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया कि फिलौर तो साबका अकाली विधायक पंजाब कांग्रेस विच शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि इस संबंधी कई तरह दी अफवाहां चल रही ने। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 3 ਸਾਡਾ ਬਨੂੜ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਤੀਆਂ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 84 'ਚ, ਤਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। पंजाब दे उद्योग मंत्री ते सीनियर भाजपा नेता मदन मोहन मित्तल ने कांग्रेस विच शामिल होण जा रही डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू वल्लों उन्हां समेत होरना 4 मंत्रियों ते लाए भ्रिष्टाचार दे दोषां दा जवाब दिता है। उन्हां कहा कि कांग्रेस पार्टी नूं खुश करन लई ते अपनी पसंदीदा सीट प्राप्त करन लई नवजोत कौर सिद्धू अजिही बयानबाजी कर रही है। उन्हां कहा कि पहलां श्रीमती सिद्धू बादल सरकार ते बयानबाजी करदी सी ते हुण कांग्रेस विच जाण ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी वारी है। उन्हां आम आदमी पार्टी नूं निशाने ते लैंदिआं कहा कि आप दा कोई स्टैंड नहीं है। अगर उन्हूं कोई इतराज तां किसी साडे मंत्री ते या किसी विधायक तो पार्टी के अंदर गल कर दी, बाहर निकल गए तो हूँ टिकट लैन वास्ते कांग्रेस वालों खुश करने वास्ते किसी के खिलाफ एलीगेशन आ सकती है क्योंकि वो टिकट पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं।
जिहड़ी ओल्ड लीडरशिप है कांग्रेस की वो जयपुर रेवोल्यूशन पढ़ा रही है। वो कहिंदे भी जिहड़ा नवे लोग आ रहे जी उन्होंने तुम टिकट दोगे पुराने का की बनेगा। इस करके वो वैसे मैं तो समझना चंगा चलेगी इतने उन्हें कदे पार्टी लाइन तो चली नहीं। ऑलवेज शी वॉज क्रिटिकल ऑफ द पार्टी एंड एवरी अफेयर। लड़ाई तो बादलों नाल शुरू करी थी जब वी कांग्रेस उदों तो कैप्टन के भी खिलाफ बोलते थे। इन्हों की फैमिली तो यह कहती थी कांग्रेस तो जानू क्या माइनस कैप्टन एंड नाउ दे हैव गॉन लाइंग डाउन टचिंग द फीट ऑफ मिस्टर कैप्टन। सो जेडे नतमस्तक होकर तो टिकट मंगती है और टिकट मंगने वास्ते हूँ साढ़े पन्ने एलीगेशन लाओ तुम टिकट कभी मिलेगा नहीं तो कहेंगे ये अंदर असर बीजेपी का। मुंबई विच होए अतवादी हमले की अज 8वीं बरसी है। 8 साल पहला 26 नवंबर 2008 नू वापरे मुंबई अतवादी हमले विच मारे गए लोगों नू देश ने नम अखां नाल याद किया। देश दीआं वख-वख थावां ते मुंबई हमले की याद विच श्रद्धांजलि समागम करवाए गए। मुंबई विच एक खास प्रोग्राम दौरान मुंबई हमले के मृतकों नू श्रद्धांजलि दित्ती गई। इस समागम विच सूबे दे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल होए। साल 2008 विच अतवादियों वल्लों 26 नवंबर की रात नू अचानक मुंबई के ताज होटल विच कीती गोलीबारी नाल पूरा मुंबई शहर दहल गया। हमलावरों ने शहर के एक 5-स्टारा होटल सीएसटी रेलवे स्टेशन से एक यहूदी केंद्र नू निशाना बनाया सी। इस हमले विच 160 तो वध लोग मारे गए सन ते 250 तो वध लोग जख्मी हुए सन। लुधियाणा के मॉडल टाउन स्थित एक हस्पताल विच बच्चे की हुई मौत के मामले नू लैके रोह विच आए लोगों वल्लों हस्पताल की बुरी तरह भनतोड़ की गई। मृतक बच्चे का नाम लाडी सी जो 6 साल का सी। बच्चे के परिवारक मैंबर बच्चे की मौत नू डाक्टरां दी लापरवाही दस रहे ने। सूचना मिलदिया ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके ते पुजे। इस घटना नू लैके हस्पताल के सुरक्षा मुलाजमां ते परिवारक मैंबरां विचकार जबरदस्त लड़ाई हुई ते 4 लोग जख्मी हो गए। अपना पंजाब पार्टी के प्रधान सुचा सिंह छोटेपुर ने उम्मीदवारों की सूची संबंधी गलबात करदिया कहा कि पार्टी वालों विधानसभा चोणों लई उम्मीदवारों की दूसरी सूची 3 नवंबर नू जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी वालों पहली सूची विच 13 उम्मीदवार चोण मैदान विच उतारे जा चुके ने। अकाली दल पार्टी विधानसभा हलका कादियां तो उम्मीदवार ते सीनियर अकाली नेता सेवा सिंह सेखवा ने अकाली नेतावां ते वर्करां नाल बैठक कीती। इस दौरान उन्हां पार्टी वर्करां ते स्थानक नेतावां नाल चोण मुहिम संबंधी विचार सांझे कीते। कांग्रेस वल्लों नौजवानां नू स्मार्टफोन वंडे जाण अते आप वल्लों दलित उप मुख्यमंत्री बनाए जाण नू उन्हां चुनावी स्टंट करार दिता। देखो अज उह वक्त नहीं कि तुसीं लोकां नू मूर्ख बना सकदे हो। अज ये लोग पंजाब दे समझदे आ कि 5 साल तो कोई कांग्रेसी लभ्या ही नहीं किसी के दुख सुख का भाईवार नहीं बनया। तो जे हुण इलैक्शन आ गई है तो हुण स्मार्टफोन भी देंगे हुण होर भी कई तरह के लालच देंगे असी तुहाडे करजे माफ़ कर देंगे। ये सारे छलावे ने पंजाब दे लोकां दे नाल। मैं समझना इन्हां छलावियां नाल पंजाब दे लोक जिहड़े आ ओह कांग्रेस का साथ नहीं देणगे। इत्थों तक केजरीवाल का सवाल आ वो तो कभी अपने स्टैंड अज तक कायम रहा ही नहीं। वो जे पंजाब आ तो कहता एस वाई एल का पानी पंजाब नू मिलना चाहिए, हरियाणे च चल जाए तो हरियाणे नू मिलना चाहिए, दिल्ली चल जाए तो दिल्ली नू मिलना चाहिए। यदा अज की अज की क्या तो कल नू इन्हें की कह जाना। इस करके सानू ये योजे जेडे वहदे ने उन्होंने कोई इतबार। मलेरकोटला की एंटी ड्रग फाउंडेशन वालों नशे के माड़े प्रभावों बारे जिथे जाणू करवाया गया उत्थे ही एक खूनदान कैंप भी लगाया गया। इस मौके सूफी गायक कमर गरेवाल भी पहुंचे हुए सन। उन्होंने बच्चों नू नशियां दे माड़े प्रभावों बारे जाणू करवाया ते खूनदानियां नू सन्मानित भी किया। इस मौके गलबात दौरान कमर गरेवाल ने दस्या कि वह भी नशे की भैड़ी दलदल विच फसे हुए सन जिस तों वह हुण बाहर आ गए ने ते नौजवानों नू भी इहो अपील है कि वह जिंदगी विच नशे तों दूर रहण। अज एंटी ड्रग फैडरेशन वालों दूजा ब्लड डोनेशन कैंप दरेलगढ़ विच लगाया गया सीगा। तो इस प्रोग्राम विच कनवर गरेवाल सूफी गायक ते नाल साडे इंडिया दे रणजीत सिंह मुंडी ट्रैफिक इंचार्ज मलेरकोटला तो चनप्रीत जी देखरेख विच इह प्रोग्राम किया गया। तो ब्लड डोनेशन कैंप भी लगातार नाल चलते रहे ने। चनप्रीत की देखरेख च मलेरकोटले विच पहला भी यह ब्लड डोनेशन कैंप होया इत्थे धर्मशाला दे विच। एंटी ड्रग फैडरेशन का यही मकसद है जी जिहड़ा नवीं पीढ़ी है स्कूलों तो जिहड़े कालजां तक पहुँचते हैं भी उन्हां दा वे कोई भी हो सकता। अजकल ज़्यादातर उन्होंने टोकन की बजाय अवेयरनैस की इन्नी ज़्यादा जरूरत है भी उन्होंने नशे की प्राइमरी नशा सेकेंडरी नशा सारे नशे पता होने चाहिए ने उन्होंने उन्होंने माड़े प्रभाव पता होने चाहिए ने। अज अमृतसर विखे फोकल पॉइंट के नज़दीक एक फैक्ट्री विच भयानक अग लग गई जिस कारण लखां रुपए का प्लास्टिक का समान सड़ के सुआह हो गया। अग लगन का कारण शॉर्ट सर्कट दस्या जा रहा है।
अग लगी है। सुबह 6:30 बजे सानू 7:30 बजे पता लगा और 6:30 बजे सानू फोन आया सी। उस तो बाद अं इतने आए हैं तो अग काफ़ी देर एक्चुअल शॉर्ट सर्किट ना ये सारा काम है। रात फैक्ट्री बंद हैगी सी उहदे करके पता नहीं लगा। सुबह 6:30 बजे सानू लेबर का फोन आया। उस तो बाद 7:30 बजे वो 10 से 15 मिनट के जदों अं फोन किया उस तो बाद पहुँच गए। नहीं कोई जानी नुकसान नहीं होया और जो मशीनी और सारा स्टॉक का नुकसान होया। जम्मू कश्मीर के नरवाल विच झुग्गियां विच अग लगन कारण 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। जम्मू के मैडिकल कॉलेज हस्पताल के मुखी रमेश गुप्ता मुताबक हस्पताल की मोर्चरी विच 3 सड़ियां लाशां लियांदियां गईयां। इस तों इलावा 6 लोगों नूं गंभीर हालत विच हस्पताल लियांदा गया, इन्हां दा इलाज चल रहा है। यह अग जम्मू के नरवाल इलाके दियां झुग्गियां विच रात के करीब 12 बजे लगी। इस इलाके दियां 150 तों वध झुग्गियां विच रोहिंग्या मुसलमाना तों इलावा होर परिवार भी रहिंदे ने। हिमाचल प्रदेश विच मुलाजमां ने नोटबंदी तो पैदा हुई स्थिति के मद्देनज़र सरकार तो नवंबर महीने की तनखा का नकद भुगतान करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश मुलाजम महासंघ के जनरल सकत्तर रमेश ठाकुर ने कहा कि जेकर कर्मचारी हर रोज़ बैंकों विच लाइनों विच लगे रहेंगे तो दफ्तर से फील्ड का काम प्रभावित होगा। कैलगरी की अदालत ने मई 2015 वापरे सड़क हादसे के एक मामले में ड्राइवर अली अलेजेंड्रो मोंटोया 4.5 साल कैद की सजा सुनाई है। इस हादसे में पंजाबी टैक्सी चालक अमृतपाल खरबंदा ते कैब विच सवार एक सवारी जिलियन लवाली की मौत हो गई सी। हादसे समय ट्रक चालक मोंटोया ने शराब पीती हुई सी। फैसले समय मृतक खरबंदा की पत्नी हरप्रीत खरबंदा ते लवाली के पिता डॉन मौजूद सन। डॉन ने अदालत के बाहर सुनाई सजा उपर प्रतिक्रम प्रगट करदया कहा कि वह जज वालों की गई टिप्पणी सहमत ने। मुंबई विच अदाकारा आलिया भट्ट ने फिल्म डियर जिंदगी दे प्रचार मौके सिंगापुर नूं अपने दिल दे काफी करीब दस्या। इस समय आलिया भट्ट काफी उत्साहित नजर आ रही सी। इस मौके चुटकले सुना के आलिया ने दर्शकों का मनोरंजन किया। मैं थोड़ी सी और आई थिंक काम हो गई हूँ लाइफ में, तो मैं इतनी नर्वस नहीं थी। आई वाज जस्ट मोर एक्साइटेड टू सी कि रिएक्शन क्या होगा। अभी सिर्फ कुछ घंटे हुए मुझे उठ के, तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेज कि क्या हो रहा है। आई एम सोकिंग ऑल द लव इन एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मानव को फिल्म बहुत अच्छा लगा तो मैं बहुत खुश हूँ उस बारे में। सो या आई एम ऑनेस्टली आई एम रियली एक्साइटेड स्पेशली विद फॉर द एसोसिएशन विद सिंगापुर टूरिज्म। रियली ग्रेट टू हैव यू हियर सर। आई थिंक मेरा रिश्ता सिंगापुर से बहुत अभी गहरा हो गया है क्योंकि नॉट ओनली विद डियर जिंदगी बट ऑल्सो विद बद्रीनाथ की दुल्हनिया हमने बहुत टाइम स्पेंड किया वहाँ। So I'm really happy for that. Thank you for everything you've done for us. And thank you for all the love. ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।